वहीं इस मौके पर स्पीकर ओम बिरला ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की। बातचीत में ओम बिरला ने पीएम मोदी का आभार जताया और विश्वास जताने पर खुशी भी जाहिर की। इस मौके पर ओम बिरला से खास बातचीत की दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर ने। राजस्थान और राजस्थानियों के लिए बेहद गर्व की बात, हमारे साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला मौजूद हैं। ओम जी, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में जो कुछ भी आपके लिए कहा और उस उम्मीद से कहा कि आप उस पद की गरिमा को बढ़ाएंगे और शायद ऐसी जो बातें उन्होंने आपके लिए कही आज तक किसी के लिए नहीं कही, कैसा महसूस किया आप? सभी लोकसभा के पूर्व माननीय सदस्यों ने इस भारत की संसदीय गरिमा को बढ़ाने का काम किया है और संसद की गरिमा के साथ नए संसदीय निर्देश, परिपाटी, नियम कानून बनाने का भी प्रयास किया है। मेरी भी कोशिश होगी कि संसद को बिना बाधित निर्बाध रूप से सभी दलों को लेकर, सभी मान्य सदस्यों को लेकर हम चलें ताकि भारत के इस लोकतंत्र की विशालता, जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और विश्व में इसके लोकतंत्र की पूरे देश में महिमा है, मेरी कोशिश होगी कि संसद की नियम प्रक्रिया अनुशासित और निर्बाध रूप से एक अच्छा डिबेट, अच्छी चर्चा के साथ पूरे विश्व में ये कसौटी पे खड़े उतरे। ओम जी, जब पद बढ़ता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और अब आप दल से ऊपर उठ के जो राजनीति रहेगी, क्योंकि नंबर सरकार के पास ज्यादा हैं, तो आप विपक्ष को कैसे उनकी ताकत मजबूत, आवाज मजबूत कर पाएंगे? नंबरों के आधार पर नहीं, एक भी माननीय सदस्य होगा तो उसका भी संरक्षण करेंगे। बिजनेस आवर्स तमाम चीजें कम रहते थे, उनको बढ़ाने के लिए क्या कुछ प्लानिंग आगे रहेगी? तो ये थे ओम बिरला, जिन्होंने तमाम बातें यहाँ पर कही, लेकिन सबसे बड़ी बात आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने उनका सदन में स्वागत किया, उनके समाज के कार्य से लेकर तमाम चीजों की आज ये बात कही और एक बात उन्होंने साफ कही कि दल से तो ऊपर उठना ही है, लेकिन मैं विपक्ष हो या पक्ष हो या किसी भी संसद का सदस्य हो, उन सबकी बात उस मंच पर रखने का काम करूंगा और इस पद की गरिमा को बढ़ाने का काम करूंगा। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अदिति नागर, फर्स्ट इन।